नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कलयुग में बड़े धार्मिक आयोजन विनयकांड, बिलासपुर में होगा प्रख्यात भागवत वेदाचार्य मानस मर्मज्ञ। श्रीधाम वृंदावन निवासी विनयकांत त्रिपाठी आज सुबह 7 बजे हमसफर एक्सप्रेस से ओसलापुर पहुँचे। बैंकर्स क्लब के समन्वयक व मंडोलीवाल परिवार श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति के मीडिया प्रभारी ललित अग्रवाल ने बताया कि मंडोलीवाल परिवार के सदस्य त्रिलोक चंद जी, सूरज मल जी, अमर चंद जी, बजरंग लाल जी, प्रोफेसर विनोद, नानक बलदेव, सुभाष, मनोज, ललित, राजेश, नवीन, शिवचंद, कमल, हर्ष, सतीश, उत्तम, सुशील, नीलेश, मयंक, उत्कर्ष, रुद्रांश, श्रीमती अनीता, सविता, निशा, सरिता, मोनिका, कुमारी खुशबू के अलावा शुभम बिहार कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री अखिलानंद पांडे के नेतृत्व में विनोद अवस्थी, हृदयानंद पांडे, राजमोहन, राजेश शुक्ला, उमेश पांडे, प्रमोद अवस्थी, सुरेंद्र दुबे सहित अनेकों धर्मनिष्ठ श्रद्धालुओं ने ओसलापुर स्टेशन में महाराज श्री विनयकांत त्रिपाठी जी तथा उनके सहयोगियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोपहर 12:30 बजे कथा स्थल श्री झूलेलाल मंगलम तिफरा बिलासपुर में आचार्य श्री विनयकांत त्रिपाठी जी ने प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित पत्रकार बंधुओं के मार्फत से भारत देश, छत्तीसगढ़ प्रदेश व बिलासपुर की धर्मनिष्ठ जागरूक देशभक्त जन सामान को धर्म कर्म व नागरिकों के कर्तव्य विषय पर अपने अमूल्य विचार प्रकट किए। उन्होंने पत्रकार बंधुओं के सामयिक प्रश्नों का सटीक उत्तर देते हुए बताया कि कलयुग में धार्मिक आयोजन बढ़ रहे हैं। मंडोलीवाल परिवार ने सभी से कल सुबह 8 बजे राम मंदिर बिल्हा से ऐतिहासिक शोभा यात्रा में तथा झूलेलाल मंगलम में सोमवार दिनांक 29 अगस्त 2022 से 5 सितंबर 2022 तक प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक नियमित आकर श्रीमद् भागवत श्रवण करने का आग्रह किया है। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट। जो हम लोग प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं, कथा के माध्यम से मैं 7 दिन में ज़रूर बोलूँगा कि हम लोगों को इसकी ओर ज़रूर ध्यान देना है और विप्र धैन सुर संत हित लीन मनोज अवतार। इस समय गाय की ये जो हालत हो रही है, मैं तो जाता हूँ जगह जगह। एक बार अभी मैं ग्वालियर से बाई रोड जा रहा था तो मैंने जो गायों की हालत देखी, भगवान 5 लोगों के लिए जब अवतार लेते हैं और गाय की स्थिति हमारे यहाँ होगी तो आगे चल करके बिल्कुल सब कुछ ठीक नहीं रहना है। तो मैं बस संदेश 7 दिन तक यही दूंगा कि जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति को हम लोग थोड़ा ध्यान रखें, उसके विरुद्ध ना जाएं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।